सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का नाम आता है तो सबसे पहले आईपिल टैबलेट बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है, लेकिन इस टैबलेट को लेने पर काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, और उन्हीं में से है अगर आप इस टैबलेट को ले लेते हो तो आपका जो पीरियड साइकिल है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आईपिल टैबलेट को लेने पर आपके पीरियड्स कब आते हैं। तो वेलकम बैक गाइज टू पासीचैम चैलेंज, और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आईपिल टैबलेट को लेने पर पीरियड्स कब आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर गाइज आपको बिल्कुल भी नहीं पता है आईपिल टैबलेट के बारे में कि ये काम कैसे करती है, कब यूज़ करना होता है, इसकी डोसेज वगैरह, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, प्रिकॉशंस के बारे में, और जनरली इस टैबलेट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर्स के बारे में, तो आप आई के बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देखना। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, या फिर आप वीडियो के लास्ट में भी सेम वीडियो को देख सकते हैं। और एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको इस टैबलेट के रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पीरियड साइकिल पर क्या इफेक्ट पड़ता है आईपिल टैबलेट का। खास तौर पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आईपिल टैबलेट को लेने पर जो पीरियड्स हैं वो कब आते हैं। ओके, तो गाइस जो आईपिल टैबलेट है ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, जिसे इमरजेंसी की कंडीशन में ही लेते हैं। ये एक प्रोजेस्टेरोन ग्रुप की मेडिसिन होती है, और इस टैबलेट के अंदर लेवन और जेस्ट्रोल 1.5 मिलीग्राम में होता है, और काफ़ी हाई डोज होती है ये इस टैबलेट के अंदर इस हार्मोन की, ठीक है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है। जब आप इस टैबलेट को लोगे ना तो प्रोजेस्टेरोन की बहुत ज़्यादा हैवी डोज आपके शरीर के अंदर जाती है, जिससे आपके शरीर के जो नेचुरल हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ख़ास तौर पर ये जो प्रॉब्लम है उन फीमेल्स के साथ में होती है जो बारी बारी इन टैबलेट्स को लेती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बारी भी ले रहे हो तब भी ये आपके जो पीरियड साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उस पर ये इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अब घूमकर बात आती है कि पीरियड्स कब आते हैं, ठीक है, मेन बात तो यही है। तो गाइज देखिए, अगर आपने आईपिल टैबलेट को आपके पीरियड्स डेट के दौरान ली है, मतलब अगर आपको आपका पीरियड साइकिल 20 तारीख के अराउंड आना है, ठीक है, और अगर आपने आईपिल टैबलेट को 10 तारीख या 15 तारीख के अराउंड ली है, तो हो सकता है कि आपको विड्रोल्स ब्लीडिंग देखने को मिले। इसे रिबाउंड ब्लीडिंग या फिर फेक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर हार्मोनल ब्लीडिंग भी बोलते हैं। अब इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी जल्दी पीरियड्स क्यों आ गए, या फिर जब इन टैबलेट को लेने पर विड्रोल ब्लीडिंग आती है तो आपका जो नेक्स्ट पीरियड साइकिल है ना वो इस विड्रोल ब्लीडिंग के एग्जैक्ट एक मंथ बाद आता है। तो लोग काफ़ी पजल हो जाते हैं कि एक तो पीरियड्स इतनी जल्दी क्यों आ गए, और दूसरा कि जब विड्रोल ब्लीडिंग आती है तो इतनी ब्लीडिंग होती नहीं है जितनी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में होनी चाहिए, ठीक है। महीने में जितनी ब्लीडिंग होती है उतनी होती नहीं है। तो और दूसरा कि जो पीरियड साइकिल है वो प्रोलोंग हो जाता है, ठीक है। लोग वेट करते रहते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ महीना वेट करते हैं लेकिन पीरियड्स नहीं आते, फिर टेंशन होती है कि कहीं कंसीव तो नहीं कर लिया है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस टैबलेट को लेने पर आपका जो पीरियड साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि हार्मोनल ड्रग है और काफ़ी हाई डोज होती है, बारी बारी मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको विड्रॉल ब्लीडिंग आ रही है, वो तो देखिए आपको ही पता लग जाएगा कि आपका जो पीरियड साइकिल था वो कितनी तारीख को था एक्सपेक्टेड, और अगर उससे पहले आपको पीरियड्स आ गए हैं तो इसका मतलब है कि विड्रॉल ब्लीडिंग है। अब अगर विड्रॉल ब्लीडिंग आ गई है तो आपका जो नेक्स्ट पीरियड साइकिल है वो एग्जैक्ट 4 वीक्स के अराउंड होगा। लेकिन अगर आपका पीरियड्स इतने टाइम में भी नहीं आता तो आपको एक बार यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, कंफर्म करने के लिए कि आप कंसीव तो नहीं कर गए हैं, ठीक है। और अगर कंसीव नहीं हुआ है, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है, तो आपको थोड़ा वेट करना है। ऐसा नहीं कि पीरियड्स को लाने के लिए आप डॉक्टर के पास जाएं और मेडिसिन खा लें। और दूसरा ये है कि कई फीमेल्स हैं वो उनको पता नहीं होता आईपिल टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इन टैबलेट्स को कैसे लेना है। रेगुलर बेसिस पर वो लेती हैं इन टैबलेट्स को, तो जो पीरियड साइकिल है ना वो डिस्टर्ब होता ही है। तो मेन पॉइंट इस वीडियो का ये था कि जो पीरियड साइकिल है वो कब आएगा इस टैबलेट को लेने पर। तो गाइज देखिए, ये एक हार्मोनल ड्रग है, और
जो पीरियड्स हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि जो आपके यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग है, जिसे एंडोमेट्रियम लेयर बोलते हैं, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब आपको ओवुलेशन होता है, ठीक है, अंडा जब ओवरी से रिलीज होता है, रिलीज होने पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने पर जो एंडोमेट्रियम की लेयर है ना, उसकी मोटाई भी बढ़ती है अंदर, और पीरियड्स में यही लेयर श्रेड होती है, टूटकर ब्रेकडाउन होगी, और जो ब्लीडिंग होती है ब्रेकडाउन होने पर, जो भी अंदर का मटेरियल होगा ना एंडोमेट्रियम लेयर का, ठीक है, ब्रेकडाउन होने पर ब्लीडिंग के रूप में वही निकलता है बाहर, तो इसी को पीरियड्स बोलते हैं। अब मेरा कहने का मतलब है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी जो वोम्ब है, जो यूट्रस है, उसके अंदर ये लेयर कितने टाइम बाद बनती है। आप समझ रहे हैं, मतलब कि अगला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जब आपको ओवुलेशन होगा, उसके बाद जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, बढ़ने पर जो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर, जब उसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, और अगर आपने कंसीव नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने कंसीव नहीं किया तो ये जो लेयर है जब स्ट्रेड होगी ना, तभी आपको पीरियड साइकिल आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर आईपील टैबलेट ले ली है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने थोड़ा वेट करना है, 3 वीक्स तक वेट करिए। अगर नहीं आते हैं पीरियड्स तो आपको यूपीटी करना चाहिए, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो थोड़ा सा और वेट कर लें। कितने टाइम तक करना है, अब ऐसे भी नहीं है कि आप ज़्यादा टाइम तक वेट करें, कम से कम आपको 2 महीने तक वेट करना है। कई बार हो जाता है 1.5 से 2 महीने तक जो हार्मोन्स हैं वो अपना बैलेंस बनाते हैं, इम्बैलेंस ही चलता रहता है, और 2-3 मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं, ये प्रॉब्लम आपको 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक आती है अगर आप एक बार आईपीएल टैबलेट को ले लेते हो। तब भी बारी बारी आप कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे, वहाँ पर कहा जाता है कि इसको रेगुलरली नहीं लेना होता, साल में 2 बार से ज़्यादा नहीं लेना होता, क्योंकि एक बार लेने से ही जो आपका पीरियड साइकिल है वो 3 पीरियड साइकिल इस टैबलेट के एक बार लेने से ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसीलिए बारी बारी बोला जाता है कि इसको रेगुलर बेसिस पर नहीं लेना चाहिए। ओके, तो अगर निचोड़ बताऊं इस वीडियो का तो यही है कि आपको 3 वीक्स तक तो वेट करना है, ठीक है, और अगर पीरियड साइकिल नहीं आते हैं, विड्रॉल ब्लीडिंग अगर आपको हो गई है, तो आपको 1 महीना वेट करना है, मतलब 4 वीक्स तक वेट करना है, ठीक है, और अगर विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं आई तो आपको 3 वीक्स तक वेट करना है, अगर पीरियड्स नहीं आते तो आपको यूपीटी करना है, अगर यूपीटी भी आपका नेगेटिव आ रहा है तो आपको 1.5 से 2 महीना लगेगा, पीरियड्स आ जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा घबराओगे तो भी हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उनका लेवल डिस्टर्ब होता है, जिससे पीरियड साइकिल नहीं आता है, ओवुलेशन ही नहीं होता। कई जो फीमेल्स हैं वो इतनी ज़्यादा डर जाती हैं कि कंसीव तो नहीं हो गया, एंजाइटी के कारण, स्ट्रेस के कारण उनको ओवुलेशन नहीं होता है, और जो डेट है वो आगे पोस्टपोन हो जाती है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी चीज़ के आपको आपके पीरियड साइकिल आ जाएंगे, लेकिन ये भी है कि बारी बारी इस टैबलेट का मिसयूज़ भी नहीं करना है, दवाई को दवाई की तरह ही खानी है, ये नहीं कि खाने की तरह खाना है, टॉफ़ी समझ के खाना है। ओके, तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।